हेटक्लार्क पेपर लीक मामले आम आदमी पार्टी अचानक थी भारतीय जनता पार्टी ना कार्यालय कमलम मा विरोध प्रदर्शन करवा पहुंची। त्या बन्ने पार्टीओ वच्चे घर्षण थयु अने त्यार बाद आम आदमी पार्टी ना अनेक कार्यकर्ताओ अने नेताओनी अटकायत पण करवामां आवी, तेमने जेल भेगा करवामां आव्या अने आ साथे ज 19 थी पण वधु कलम तेमना विरुद्ध दाखल पण थई। आज मुद्दा ने लईने आपना प्रभारी गुलाबसिंह यादव अमदावादनी मुलाकाते छे, तेमने प्रेस कॉन्फ्रेंस योजी अने सीआर पाटिल पर आक्षेप कर्या। आ साथे ज असित वोरा राजीनामू आपे तेवी पण तेमने मांग करी छे। शुं कह्युं छे तेमने, आवो सांभळीए। मैं कल सी आर पाटिल जी को सुन रहा था, उन्होंने जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को और जिस तरह से होम मिनिस्टर ने इसके ऊपर अपना जवाब दिया, मैं ताज्जुब मानता हूं कि इतनी बेशर्मी लाते कहां से। अभी तक आसित वोरा को रिजाइन देना चाहिए था, उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए था। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जब तक आसित वोरा इस पोस्ट पर बैठा है, क्या इसकी कोई निष्पक्ष जाँच हो सकती है? कतई नहीं हो सकती है। इसलिए आसित वोरा को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। अदरवाइज आज से और अभी से कलेक्टर ऑफिस के पास हमने बैठने के लिए सूचना भी दी है, और जैसा सी आर पाटिल जी ने कहा कि सबको अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने का, कहीं पे धरना देने का, तो मैं और महेश भाई सवानी अनशन कर रहे हैं, अन्न त्याग रहे हैं, सिर्फ पानी लेंगे। और हमारी डिमांड है कि आसित वोरा को गिरफ्तार भी किया जाए, उससे रिजाइन, उसका इस्तीफा लिया जाए, उसके खिलाफ साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया जाए, अन्यथा हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुपचाप हम वहाँ बैठेंगे। और पूरे गुजरात के युवाओं से विशेष तौर पर अनुरोध है कि साथियों, ये सब कुछ पिछले कई वर्षों से हो रहा है। कांग्रेस मुख दर्शक बनकर देखती रही तमाशा, पिछले 27 साल से भाजपा की सरकार है, विपक्ष में कांग्रेस बैठी है। मैं गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों से आह्वान करता हूं कि आप देखिएगा आगे आगे होता है क्या, आसित वोरा जैसे क्रिमिनल आदमी के पीछे कौन खड़ा है। मुझे लगता है सुपर सीएम सीआर पाटिल का सीधा सीधा उनके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त है। भूपेंद्र पटेल तो रबड़ स्टाम्प है, लेकिन सबसे बड़ी पावर अगर कोई आसित वोरा के पीछे खड़ी है वो सीआर पाटिल है। हम ये अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप तुरंत आसित वोरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं और उनका इस्तीफा लीजिए। आ वीडियो में बस आटलू ज। वीडियो ने लाइक करवानू ना भूलता। गुजरात ना तमाम समाचार जोवा माटे आप जोता रहो गुजरात तक। नमस्कार।